क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ हर कोना एक कहानी है, हर पल एक जादू है, जहाँ पहाड़ों की बाहों में बसी हुई है शांति और हर मोड़ एक नई तस्वीर दिखाता है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक अनोखा एहसास है, एक खूबसूरत ख्वाब जिसे देखना हर किसी का सपना है। तो चलिए लेके चलते हैं आपको इस सपनों की दुनिया में, स्पीति वैली। स्वागत है आपका स्पीति वैली विंटर एक्सपेडिशन के हमारे सेकेंड एपिसोड में। आज के दिन की हमारी शुरुआत चितकुल के इन खूबसूरत नज़ारों के साथ हुई। चितकुल ये एक इंडिया का लास्ट विलेज तो है ही, पर क्या आपको पता है इंडिया के सबसे फ्रेशर चितकुल में ही पाई जाती है। सबसे बढ़िया बात हमारी चितकुल के स्टे की थी, क्योंकि हमारे जो कॉटेजेस है वो फुल्ली रिवर साइड थे। एंड रात भर पूरा रिवर का ऐसा वो आवाज आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड पूरे सब स्नो स्नो के पहाड़, वाओ। सो लेट्स गो, अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ताबो के लिए। तो ये है यहाँ का मेनू कार्ड और अभी हम दे रहे हैं ऑर्डर। क्या क्या है हमारा ऑर्डर? फ्राइड राइस और मैगी। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं हमारे लंच के लिए। yes. और हम रुके हैं इस ब्रिज के पास, और इस ब्रिज से स्टार्ट होता है स्पीति। yes. बहुत तगड़ा व्यू है। हाँ। यस, तो अभी लंच करते हैं। लंच भी दिखाते हैं आपको क्या क्या लिया हमने। हमने ऑर्डर किया है फ्राइड राइस और मैगी। और ये है व्यू हमारे कैफे का। सो गाइस, फाइनली वी हैव एंटर्ड स्पीति। यस। एंड अभी हम मस्त व्यू एंजॉय कर रहे हैं यहाँ का। स्पीति वैली के इन्हीं यूनिक टेरेन की वजह से इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। एंड क्या आपको पता है ये पूरा एरिया एक समय समुद्र के नीचे हुआ करता था, पर जब 55 मिलियन साल पहले इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स का क्लैश हुआ, तब इन ऊंचे पहाड़ों का निर्माण हुआ। ताबो जाने से पहले हमने विजिट किया नाको विलेज, जो फेमस है यहाँ के लेक के लिए। सो गाइज, हम पहुँच चुके हैं नाको लेक। एंड ये लेक यूजुअली फ्रोजन होता है, बट आज वो फ्रोजन नहीं है। एंड यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। सो या, मस्त है लोकेशन बहुत। सो गाइज, हम बैठते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, तब तक आप ड्रोन शॉट्स एंजॉय कर लो। सो वी होप यू गाइज कि अपने ड्रोन शॉट्स एंजॉय किए होंगे। उनका ने बहुत अलग अलग तरीके से ड्रोन शॉट्स लिए हैं गाइज। बहुत प्यारी लोकेशन है यार, मतलब हिमाचल हाँ। प्रदेश इधर भी ड्रोन उड़ोगे ना, इतना अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं। यस। तो ये एक लोकल अंकल है, इन्होंने हमें एक सुड़पी करके कुछ तो दिया है, ड्राई फ्रूट है ये, तो वो हम ट्राई कर रहे हैं। कैसा है ये? यहाँ पे आता है ना ये? यही अच्छा। कैसा है अंकल ये? बहुत बढ़िया। अरे मतलब कैसा है, मतलब प्राइस प्राइस कितने का? कैसा है अंकल? अच्छा खाने के। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ताबो तक का सफर। एंड ताबो पहुंचने में हमें हो गई शाम।
रात को हमने होटल पे ही थोड़ा डिनर किया एंड हम निकल गए कैफे हॉपिंग करने के लिए। सो गाइज, अभी हम है ताबू में एंड हम अराउंड 8 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। उसके बाद हमने डिनर कर लिया। तो ये है हमारी आज का स्टे का होटल, होटल स्नो लेपर्ड एंड बहुत आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे माउंटेंस होने वाले। एंड अभी यहाँ पे टेम्परेचर कितना है? -10। क्या बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग गाइज फ्रॉम ताबो। तो अभी हम फ्रेश होके रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने। फिर यहाँ पे ही ताबो मॉनेस्ट्री है, वहाँ पे जाने। फिर धनकर मॉनेस्ट्री, एक ही मॉनेस्ट्री। आज का दिन बहुत पैक होने वाला है। हाँ, साइट सीइंग होने वाला है हमारा आज पूरा दिन। एंड आज हम जाएंगे काजा को। Yes. So, वो भी हमारा जर्नी बहुत बड़ा होने वाला है। एंड रात को हमें आने के लिए लेट हो चुका था, पूरा मतलब अंधेरा गिर चुका था। हाँ. इसलिए पता नहीं चला कि आसपास का व्यू क्या है। बड़ा आज जब सुबह उठे तो जब व्यू देखा तब वाव, क्या व्यू था। अमेजिंग व्यू, सीरियसली वाव, जस्ट वाव, बहुत तगड़ा व्यू है। हाँ, सो गाइज, वी आर डन विथ आर ब्रेकफास्ट एंड अभी हम जा रहे हैं मॉनेस्ट्री में। मस्त वॉक करके जाने वाले हैं। ठंड बहुत है, -9 degrees है अभी। सो लेट्स गो, आपको मॉनेस्ट्री भी दिखाते हैं यहाँ की कैसी है। ताबो मॉनेस्ट्री को सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग मॉनेस्ट्री भी कहा जाता है एंड इस मॉनेस्ट्री को यहाँ एक किंग ने 1996 AD में बनाया था। मॉनेस्ट्री के अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स है एंड इसी वजह से इसे अजंता एंड अलोरा ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। इन्हीं अलग टेंपल्स एंड मॉनेस्ट्री की वजह से हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। ताबो से हम निकल गए काजा के लिए एंड जाते जाते हमने विजिट किया धनकर मॉनेस्ट्री को। ये मॉनेस्ट्री 12,700 feet ऊपर है एंड धनकर का मीनिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ढंग मतलब क्लिफ एंड कर मीन्स फोर्ट, और इसका मीनिंग होता है फोर्ट ऑन अ क्लिफ। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइज। वी होप आपको स्पीति वैली का पार्ट 2 पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम स्पीति के कुछ फेमस प्लेसेस कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट एंड टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।